ओम टेक्निकल ज्ञान की ओर से आप लोग को 5 सितंबर का शिक्षक दिवस का हार्दिक बधाई है। और आप लोग लगे रहिए इसी रूप से, जिस तरह से आप लगे हुए ओम टेक्निकल ज्ञान में लगे हुए हैं, जैसे लगे हुए उसी ढंग से लगे रहिए। और आपके पीछे ओम टेक्निकल के पीछे राजेश सर हैं और आपको निश्चित ही सफलता दिलाएंगे। आज देखिए आप लोग को कंप्यूटर से लेकर क्वेश्चन मैंने दिया है और एम्प्लॉयमेंट स्केल का भी क्वेश्चन, इलेक्ट्रीशियन और फिटर अनट्रेड, जितना भी कुल ट्रेड है सबके लिए देखिए लाभकारी है। और आप आके यहाँ मिलिए और देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। हम आप लोग को सुविधाजनक ऑनलाइन अभी देना शुरू कर दिए, इसलिए आप देखिए और पर डे देखते रहिए। आप देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि कंप्यूटर का दिमाग क्या है। अब इसमें देखना है कि कंप्यूटर का दिमाग, जैसे मनुष्य का जो दिमाग होता है वो क्या करता है, मस्तिष्क ही काम करता है और मस्तिष्क से ही सारा शरीर को इन्फॉर्मेशन देता है कि क्या हो रहा है, उस तरह से कंप्यूटर में भी जो होता है, जैसे माउस तो देखिए चलाने वाला होता है, ये आपका नहीं होगा। उसके बाद कीबोर्ड से भी आप उसमें स्विच लगा होता है टिपते हैं, मेन तो CPU। कंप्यूटर का दिमाग क्या हो जाता है, CPU आपका, इसका आंसर आपका हो गया CPU। CPU ही मस्तिष्क का हो, मस्तिष्क बनाओ, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन हो जाता है, CPU। आपका प्रिंटर भी नहीं होगा, इसमें प्रिंट किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, माउस भी आपका नहीं होगा, मॉनिटर तो देखिए ये सिस्टम है, इसमें सब डाला हुआ रहता है, कीबोर्ड देखिए स्विच लगा होता है, ये भी आपका नहीं होगा, प्रिंटर में आउटपुट डिवाइस जो होता है वो प्रिंटर के माध्यम से होता है, इसलिए प्रिंटर इसका आंसर होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है CPU का अर्थ क्या है। अब देखिए CPU जो शॉर्ट फॉर्म है उसका अर्थ देखिए क्या होता है, ये आपको देखना है। पहला क्वेश्चन दिया है सेंट्रल प्रोग्राम, दूसरा दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा आपको दिया है सेंट्रल प्लानिंग और चौथा दिया है सेंट्रल प्रोग्रेस यूनिट। इसमें से देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ये दो नंबर का आपका सही होगा, ये होगा आपका सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ना ही आपका ये होगा और ना ये आपका होगा, तीन नंबर सेंट्रल प्रोग्राम प्लानिंग ना हो सेंट्रल प्रोग्रेस यूनिट। अब कहता है बाइट में कितने बीट होते हैं, बाइट में कितना बीट होता है उसके बारे में बताना है, कितने बीट होते हैं, ना ही आपका 4 होगा, आपका 8 बीट होगा, 16 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, इसमें आपका 8 बीट होता है। अब देखिए कितना सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए कितना होता है आपका, उस पर ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से संबंधित आपको प्रधानमंत्री जो है वे आपको कौशल विकास योजना के तहत जो योजना चलाए हैं उसमें क्या क्या चीज़ का विकास होता है उसके बारे में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, पाठ्यक्रमों में सुधार। अब देखिए प्रधानमंत्री विकास योजना में पाठ्यक्रम भी सुधार होता है, बेहतर शिक्षण, आपका बेहतरीन शिक्षा भी मिलती है और प्रशिक्षित शिक्षक भी रहती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों आपका हो जाएगा, ये सभी पाठ्यक्रमों में सुधार, और दूसरा हो गया बेहतर शिक्षण, और तीसरा हो गया प्रशिक्षण, और ये तीनों आपका आंसर हो जाएगा। आप देखिए पांचवा क्वेश्चन आपका, चौथा के बाद आपका पांचवा क्वेश्चन हो गया, दुर्घटना से खतरे उत्पन्न किस रूप से हो सकती है। मैंने आपको दुर्घटना से बहुत से क्वेश्चन मैंने बताया है और बताते चल रहा हूँ, और नया नया क्वेश्चन तब भी आपको सामने आ रहा है, आप एकदम सेफ्टी रूल पर लगे रहिए, क्योंकि पांच क्वेश्चन आपका सेफ्टी रूल से रहेगा। आप बता रहा है दुर्घटना से खतरे उत्पन्न किस रूप से हो सकती है, इसमें कहता है उत्पादन में कमी अगर होगा तो खतरा उत्पन्न नहीं होगा, आप लोग भी जानते हैं। यंत्र एवं उपकरणों में नुकसान, ये भी नहीं होगा। उत्पादन अनुसूची में अवरोध, जब कोई भी उत्पादन में अवरोध पैदा किया जाता है, उसको विरोध किया जाता है, तब उसमें क्या होता है, खतरा उत्पन्न होता है। तीन नंबर इसका आंसर होगा, उपरोक्त भी आपका ये भी नहीं होगा। अब आ जाइए छठा क्वेश्चन में, आप आ जाइए ओजोन की संधता में किसमें मापा जाता है, कैंडला, ये भी आपका नहीं होगा, ड्रक्सल ये भी नहीं होगा, फ्लैक्स होगा, इनमें से कोई ये भी नहीं होगा। अब देखिए सातवां क्वेश्चन है, पेयजल उपचार में किसे मुक्त किया जाता है, पेयजल पीने वाला जो पानी होता है उसमें कैसे उपचार किया जाएगा, शुद्ध पानी कैसे किया जाएगा, बैक्टीरिया इसको भी दूर किया जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा, एंगलिंग ये भी हो जाएगा, रासायनिक प्रदूषण, अगर कोई प्रदूषण पानी को से भी शुद्ध किया जाता है इनमें से, आपका आंसर ये हो जाएगा सभी, ये नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा, आपका सभी हो जाएगा, ये तीनों आंसर है, इसलिए सभी देना है। अब कहता है दुर्घटना से ग्रसित रोगियों को ले जाने के लिए किसकी व्यवस्था होना चाहिए। पहला क्वेश्चन दिया व्हील चेयर,
जिस व्हील चेयर जो होता है चलने वाली चेयर होता है जो रोगियों को पहुंचाया जाता है, दूसरा आपका एम्बुलेंस, और ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका सबसे सबसे आंसर इसका कौन सी हो जाएगा, ये भी दोनों हो जाएगा, क्योंकि व्हील चेयर पर भी उसको रोगी को ले जाया जाता है और दूसरा एम्बुलेंस पर लाद कर एक डॉक्टर के पास, प्राथमिक उपचार के पास, डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, इसलिए एम्बुलेंस इसका आंसर होगा। ये नहीं होगा आपका, ये हो जाएगा ए और बी दोनों। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या क्या है। आप इस क्वेश्चन को पहले भी पढ़ चुके हैं, बैंकों की संख्या क्या है, इसमें से आपको देखना 8, ये भी आपका नहीं होगा, 14, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आपका 19, क्योंकि अधिकृत बैंक जो होता है राष्ट्रीय अधिकृत बैंक 19 है आपका। अब दसवां क्वेश्चन आ जाइए, धरती से खनिज तथा अन्य धातुओं का निष्कर्षण क्या कहलाता है। ये आपका विनिर्माण, ये भी आपका नहीं होगा, निर्माण भी नहीं होगा, आपका हो जाएगा खनन, इनमें से कोई नहीं। ये देखिए आपका मैंने 10 क्वेश्चन दिया है, सारा सारा ये जितने भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर पूर्णता आप लोग ध्यान दीजिए। और मेरे वीडियो के पीछे जिस रूप से ओम टेक्निकल ज्ञान में 1 माह 1.5 माह से आप लगे हुए हैं, उस तरह से लगे रहिए और आपकी सफलता निश्चित होगी। आप 2-4 दिन में आपका एग्जाम होने वाली है, आप सबको मालूम है कि क्योंकि आप लोग तो बराबर वीडियो को देखते रहते हैं और सबको अनुमान है कि जो 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन में आपका एग्जाम हो जाएगा निश्चित ही। अब एडमिट कार्ड नहीं निकल रही है, 2-3 दिन में निकलेगी। जय हिंद, जय भारत।